नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। 1964 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म की रीमेक से करने वाली है ऐश्वर्या राय बच्चन वापसी। क्या है ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी ये बड़ी खबर, आइए आपको बताते हैं। वेल, बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इस समय अपनी एक्टिंग करियर से काफी दूर नजर आ रही है। बॉलीवुड में ऐश्वर्या अक्सर अपने कमबैक को लेकर चर्चाओं में रहती हैं और अब एक बार फिर से ऐश्वर्या अपने कमबैक को लेकर चर्चाओं में आ गई हैं। सुनने में आ रहा है कि ऐश्वर्या वो कौन थी के रीमेक का हिस्सा बनने वाली हैं और इसी से वो करने वाली हैं कमबैक। हाल ही में रिपोर्ट्स की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड में वापसी के लिए बेताब हैं। इस समय वो एक साथ कई फिल्म मेकर से बात कर रही हैं। साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म से ऐश्वर्या की वापसी की उम्मीद है। ऐश्वर्या राय बच्चन इस रीमेक में लीड किरदार में नजर आने वाली हैं। ये बात सामने आई है, फिल्म में उनका अहम किरदार होगा। यकीनन ये खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बात की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ऐश्वर्या इस फिल्म से वापसी करने वाली हैं। वेल, ऐश्वर्या बच्चन भले ही बॉलीवुड की किसी फिल्म में नजर नहीं आ रही हो, लेकिन वो वायरल हो रही तस्वीरों के चलते अक्सर सुर्खियों में जरूर रहती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने हर लुक से लोगों को दीवाना बना जाती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार एक्टर राजकुमार राव और अनिल कपूर के साथ फिल्म फन्ने खान में नजर आई थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना लुक बदल दिया था, साथ ही अपने बालों को लाल कलर से रंग लिया था। ऐश्वर्या राय बच्चन की इस नए लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसमें ऐश्वर्या के लुक को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। हालांकि फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया। ऐश्वर्या वो कौन थी फिल्म के रीमेक का हिस्सा बनने वाली है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, अभिषेक बच्चन से शादी करने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने बॉलीवुड से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। बेटी आराध्या के जन्म के बाद से तो ऐश्वर्या राय बच्चन पूरी तरह से बेटी की देखभाल में बिजी हो गई। ऐश्वर्या राय बच्चन जिस इवेंट पर जाती हैं, उनकी क्यूट बेटी आराध्या उनके साथ नजर आती है। साथ ही ऐश्वर्या जिस इवेंट में नजर आती हैं, लोगों का दिल चुरा ले जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।